नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के पिलाई न्यूज। भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज 96वां दिन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि आज 10 एएसआई के अधिकारी 38 मजदूर सर्वे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हिंदू याचिकाकर्ता मुस्लिम याचिकाकर्ता की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर प्रतिबंध। आज मंगलवार है, भोजशाला में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू श्रद्धालु आज भारी उत्साह के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि हिंदू श्रद्धालुओं में आज भारी उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे तक सर्वे चला। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा के अनुसार उत्खनन मिट्टी उत्खनन का काम उत्तरी पूर्व हिस्से में जारी है। आज दिन भर मिट्टी हटाने का काम चला। जहां से पूर्व में मूर्तियां मिली थी 3-4 दिनों में, वहीं पर आज 4 अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसमें एक स्तंभ का बेस है जिस पर आकृति बनी हुई है, जिसे एसआई की टीम ने संरक्षित किया है। वहीं मुस्लिम याचिकाकर्ता अब्दुल समद के अनुसार जो ट्रेंच कम्प्लीट हो गई है, उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पुनः की गई है। उत्तर की तरफ जो ट्रेंच चल रही है उसे आज आगे बढ़ाया गया। वहाँ आज एक आकृति वाला पत्थर मिला है, 2 पत्थर नॉर्मल मोल्डिंग वाले मिले हैं। परिसर के अंदर पिलर वगैरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है। देखिए खबर है इसके पिलाई न्यूज पर। आज अंदर क्या कुछ रहा 96वां दिन? आज चूंकि मंगलवार था तो अंदर दोपहर बाद जो अवशेष बाद में निकले हैं उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम चला। और पीछे की तरफ दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में कुछ सफाई करके जो ट्रेंजें कंप्लीट हो गई है उनकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। क्योंकि जो पहले काम शुरू हुआ था, जब जो फोटोग्राफी की गई थी वो काम शुरू होने के पहले की थी, और अब जब काम बंद हो रहा है तो उसकी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ट्रेंजों की गई। और उत्तर की तरफ जो साइट चल रही थी, ट्रेंच चल रही थी, जिसकी खुदाई कल तक उन्होंने 4 फीट की, उसको आगे बढ़ाया। उसमें से आज एक आकृति वाला पत्थर भी मिला है और 2-1 पत्थर नॉर्मल मोल्डिंग वाले मिले हैं। बाकी अंदर की तरफ जो पिलर वगैरह कुछ बाकी रह गए थे उनकी भी फोटोग्राफी की गई। और दरगाह परिसर में आज जो ड्रेनेज का काम चल रहा था पिछले दिनों, वो बाकी था, वो आज कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। उसमें थोड़ा सा काम बचा है, वो कल तक पूरा कर लिया जाएगा। बस दिन भर आज यही काम चला। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर था। भैया आज क्या कुछ रहा 96वें दिन? आज 22 मार्च से प्रारंभ हुआ सर्वे, आज 96वें दिन में प्रवेश किया। आज 10 सर्वे अधिकारी और 38 लेबर ने काम प्रारंभ किया था। क्योंकि मंगलवार होने के कारण आज गर्भगृह में कोई भी काम नहीं चला। बिल्डिंग के उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में जो उत्खनन का काम जिस स्थान पर चल रहा है, जहाँ से पिछले 3 दिनों में कई प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है, उसी स्थान पर आज काम चला है। उसमें आज 4 अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें एक खंभे का बेस जो गोल आकार का है उसमें भी आकृतियाँ बनी हुई वो प्राप्त हुआ है, और 3 अन्य मोल्डिंग पत्थर हैं जो सर्वे टीम ने संरक्षण किए हैं। इसके अलावा कोई कुछ? इसके अलावा जो बाहर जो इसी स्थान पर जो पहले कई अवशेष रखे हुए थे उनको आज पंक्तिबद्ध करके उनको एक स्थान पर जमाने का काम किया हुआ है। कमल मौलाना कोई काम नहीं हुआ आज। गोपाल शर्मा, महाराजा भोज सेवा समिति सचिव, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। हर मंगलवार हम आते हैं भोजशाला में, हनुमान चालीसा होता है, हनुमान चालीसा होता है, और उसके बाद खुदाई भी चल रही है। तो कृष्ण जी निकला, विष्णु जी निकला, सारे परिवार निकला, और हमको मूर्ति भी निकली, और कुछ सबूत सब हमारे हमारे निकल रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं। और हो जाएगा, माँ आएगा जल्दी यहाँ, हमको ऐसा लग रहा है। आज मंगलवार की पूजा पाठ किया गया, क्या था कुछ? जी हाँ, आज मंगलवार नियमित सत्याग्रह था। बड़ी संख्या में सत्याग्रही भोजशाला पहुँच है। हनुमान चालीसा, हनुमान आरती के साथ में सत्याग्रह समाप्त हुआ। बड़ी संख्या में माता शक्ति पुरुजन वहाँ पर उपस्थित हुआ है, और सर्वे के दौरान जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली है, बड़े उत्साह से सभी लोगों ने उसको देखा है और चर्चा का विषय रहा है। Yeah.
बस हो गया।